Hey, hello and welcome to Physics Solutions YouTube channel. Hope you all are having a good day. आज हम सीखेंगे कि किसी भी गिवन बुलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर सर्किट में कैसे कन्वर्ट करें, विच इज आस्क्ड इन गेट जैम नेट मल्टीपल टाइम्स। मतलब कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में 20-30% का पोर्शन इजी और डायरेक्ट पूछा जाता है। ये टॉपिक उसमें से है। ऐसे इजी टॉपिक को कभी स्किप नहीं करना। किसी भी मल्टीप्लेक्सर सर्किट में सिलेक्शन लाइन्स होती हैं, इनपुट लाइन्स होती हैं और सिर्फ एक आउटपुट होती है, और सिलेक्शन लाइंस किसी भी गिवन फंक्शन के लिए इनपुट लाइन को सिलेक्ट करके आउटपुट तक भेजती हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास m सिलेक्शन लाइंस हैं और n इनपुट्स हैं फॉर अ फंक्शन, तो याद रखिए कि नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हमेशा 2m से कम होनी चाहिए। मतलब सिलेक्शन लाइंस अगर 2 हैं तो वो मैक्सिमम 2 यानी 4 इनपुट लाइंस को ही सिलेक्ट कर सकती है, उससे ज़्यादा को नहीं। कम होंगी तो चल जाएगा पर ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आइए एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए देखते हैं। 4x1 में 4 इनपुट लाइंस होंगी और एक आउटपुट, और इसके लिए हमारी मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस होंगी 2। मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे हैं S0 और S1। S0 और S1 की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 00, 01, 10 और 11। और जब भी इनकी वैल्यूज 00 होगी तो ये I0 को सिलेक्ट करेगा, और 01 पे I1 को, और 10 पे I2 को, और अगर 11 होंगी तो ये I3 को सिलेक्ट करेगा। बस इतना सही है मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बुलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर सर्किट में इंप्लीमेंट करना है। क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट फंक्शन ABCD=summation 1 4 5 7 9 12 13 यूजिंग अ 4x1 मल्टीप्लेक्सर विद सिलेक्शन लाइंस ए एंड बी। यहाँ पे हमें सिलेक्शन लाइंस गिवन है ए एंड बी, और आउटपुट है हमारा गिवन बुलियन फंक्शन। तो बस हमें इनपुट I0, I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इस गिवन फंक्शन को 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप में रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो कि हमें देगा ये। और यहाँ पे हमारी रोज एक्चुअल में सिलेक्शन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। रो ए बार बी बार रिप्रेजेंट कर रही है I0 को, और रो ए बार बी रिप्रेजेंट कर रही है I1 को, ए बार बी रिप्रेजेंट कर रही है I2 को, और ए बी रिप्रेजेंट कर रही है I3 को। अब इस के मैप को रो वाइज सॉल्व कर देंगे, जो कि देगा हमें I0=C⋅D, और I1 के लिए सोल्व करेंगे तो हमें देगा C⋅D⋅, और I2 के लिए हमें C⋅D, और I3 के लिए सोल्व करेंगे तो देगा C⋅। तो हमारे फाइनल मल्टीप्लेक्सर की फॉर्म होगी ये, विद द इनपुट्स I0, I1, I2 एंड I3 एंड सिलेक्शन लाइंस A एंड B। और अगर इसी क्वेश्चन में हमें सिलेक्शन लाइंस C एंड D गिवन होती, तो बस इस बार हमारे के मैप में कॉलम सिलेक्शन लाइंस को रिप्रेजेंट करती। मतलब C⋅D⋅ I0 को रिप्रेजेंट करता, C⋅D I1 को, और C⋅D I2 को, और C⋅D रिप्रेजेंट करता I3 को। और इन्हें कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा I0=B, I1=1, I3=A⋅B, और I2 हमें देगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू 1 नहीं है। और हमारा फाइनल 4x4 मल्टीप्लेक्सर बन जाता ये। चलिए अब एक CSIR नेट का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2016 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स इंप्लीमेंट्स द बुलियन फंक्शन ABC=summation 1 2 4 6। और चार ऑप्शन गिवन है। सभी ऑप्शन में हमें 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज किया हुआ है, और सभी में एक चीज कॉमन है कि सब में सिलेक्शन लाइंस ए एंड बी ही है। तो हमारी सिलेक्शन लाइंस फिक्स हो जाएंगी यहाँ पे भी ए एंड बी। और अब पहले की तरह ABC फंक्शन को हम एक के मैप में रिप्रेजेंट कर देंगे, जो कि हमें देगा ये। और यहाँ पे सेम हमारी रोज रिप्रेजेंट कर रही हैं सिलेक्शन लाइंस को। यहाँ पे A⋅B⋅ रिप्रेजेंट कर रही है I0 को, A⋅B रिप्रेजेंट कर रही है I1 को, AB⋅ रिप्रेजेंट कर रही है I2 को, और AB रिप्रेजेंट कर रही है I3 को। और इसे सॉल्व कर देंगे रो वाइज तो हमें मिलेगा I0=C, I1=C⋅, I2=C⋅ एंड I3=C⋅। और हमारा मल्टीप्लेक्सर की फॉर्म बन जाएगी फाइनल ये, विद द इनपुट्स I0, I1, I2, I3 एंड सिलेक्शन लाइंस ए एंड बी, जो कि गिवन क्वेश्चन के सेकंड मल्टीप्लेक्सर से मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। तो इसी टाइप से किसी भी गिवन बुलियन फंक्शन के लिए अगर आपको बोला हो कि इसे मल्टीप्लेक्सर के लिए इंप्लीमेंट करिए, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन एंड लर्न्ड द कॉन्सेप्ट, देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप ऑन द एंड स्क्रीन। Please subscribe the Physics Solutions YouTube channel for more solutions. Thank you and see you next time. Have a nice day.